हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अदरवाइज मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता अशोक क्लिनिक दिल्ली से हूँ। आपकी सेवा में सेक्सोलॉजी सोने के नाते मैं कुछ ना कुछ जो मेरे को समझ है कहता ही रहता हूँ। आज हम बात करेंगे और बड़े ज़रूरी मुद्दे पर, मेल ऑर्गन का शेप एंड साइज के ऊपर। बच्चा बच्चा भ्रमित है इसके लिए, ये पीनिस बिग होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि औरत की वजाइना ही भर जाए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि औरत उसके लिए शोर मचाए। तो ये है मेरे थोड़े भ्रम हैं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जनरली पेनिस 5-6 इंच की होनी चाहिए, लेकिन लव लाइफ के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए ये चाहे 4 इंच की भी हो तो भी चलता है। क्यों, इसके लिए भी समझाने की ज़रूरत है। औरत की वजाइना अप्रोक्सीमेटली 6-7 इंच लंबी होती है, बच्चा होने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा लूज हो जाती है, और उसका सेंसिटिव एरिया है जो पहले अंदर के 2 इंच हैं, वजाइना के मुंह पर पहले अंदर के 2 इंच हैं, वही सेंसिटिव है, वही उसको आनंद आता है। तो इसका मतलब आपकी पीनिस 3 इंच की हो तो भी वही काम करेगी जो 6 इंच की पीनिस कर रही है। गर्त में मोटाई में पीनिस 2.5-3 इंच की होनी चाहिए, पर फिर भी उसकी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। वजाइना भगवान ने इस तरीके से बनाई है, अपने शरीर संबंध बनाते हुए आप उसको शेप भी दे सकते हैं, किसी शेप में कर लें, ज़्यादा वजाइना एक्सपोज ना हो, उसमें भी औरत को आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। इसलिए इस काम के लिए ज़्यादा हमें पागल होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट तो किसी भी लेवल पे हम लोग करते ही हैं, हम प्रोफेशन में हैं, जैसा है थोड़ा बहुत उसका असर आएगा ही किसी लेवल पे। पर कोई भी आदमी की पीनस 6 इंच की है, वो हमें टेलीफोन कर रहा है, वो बार बार मारा मारा फिर रहा है, भी इसको जी 8 इंच की 9 इंच की कर दो, ये पॉसिबल नहीं होता। कई लोग आम हालत में देखते हैं पीनिस की जी हर वक्त सुस्त रहती है, लटकी रहती है, हम क्या करें। देखिए, बात समझिए, पीनिस के 2 काम हैं, एक अटेंशन बढ़ाना और बच्चे पैदा करना, दूसरा काम है पेशाब करना। पेशाब करने की हालत में पीनिस आपकी चाहे 1 इंच की भी हो तो भी होता है, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीनिस का साइज 5-6 इंच का जिन लोगों का है, वो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट के लिए तरफ ना जाएं, ठीक है। और अपनी खुराक में जो लोग ऐसी कमजोरियां, ऐसी वीकनेस फील करते हैं, तो ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा नशे वाली चीज़ें अवॉइड करें। सुबह भी रात को भी घूमने जाएं, लाल रंग के फल खाएं। लाल रंग के फल खाने से क्या होता है, लाल रंग में लिकोपिन हार्मोन होता है जो मर्दों के लिए ज़रूरी है, जैसे अंगूर है, काले अनार है, संतरा है, मैंगो है, एप्पल है, काले अंगूर है, किशमिश है, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए, तो इसमें भी हमें ताकत मिलती है और पीनिस का शेप एंड साइज अच्छा रहता है। पेशाब करते हुए हमें पीनिस को 2-4 बार स्टिच करना चाहिए, जैसे हम गैया का बकरी का दूध निकालते हैं, इस तरीके से 2-3 बार बाहर स्टिच करें फिर पेशाब पास करें। लैट्रिन करते हुए भी आप लैट्रिन को रोक रोक के करें, आप देखेंगे एक बार लैट्रिन गए हैं, आप वॉशरूम गए हैं, 5-6 बार आपने एनल को स्क्वीज किया है, तो आप देखेंगे पीनिस बाहर आ रही है और मसल फूल रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए इतना ही काफ़ी है, फिर भी कोई खास कमी है, कोई खास प्रॉब्लम है, आप एडवाइस ले सकते हैं। मेरा अपना मोबाइल नंबर है 9811092840, मेरी अपनी वेबसाइट भी है ashokclinic.in, और YouTube पे हमारा अपना चैनल है अशोक क्लिनिक के नाम से। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ में आइकन जो है बेल है उसको पुश करें। आपको और अच्छा लगा इसको लाइक करें, और अच्छा लगा आप समझते हैं मैं लोगों को अच्छा काज कर रहा हूँ, लोग जान शिक्षा कर रहा हूँ, तो अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो, सबको अच्छा जीवन मिले, सब लोग भ्रमों से निकलें, खुशहाल ज़िंदगी जिए। थैंक यू वेरी मच।